हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोहित सोनिया व्लॉग के एक नए व्लॉग में। और आज मैं मेरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्लिनिक आने के बाद। क्लिनिक भी के एक बज गया और पेशेंट सुबह वाले तो मैं देख चुकी, और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है एक नए सूट के साथ, जो कि किसी भी छोरी खातर बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो मैं वो सूट आपने दिखा दूँ जो, और बता भी दूँ कड़े तो मैंने मिला है, वो बहुत प्यारा सूट है। तो मैंने ये खोल दिया था, आंधी है, इतना सब्र थोड़ी हो है मेरे पे। और ये सूट मैंने मिला है, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है कविता डबास नाम से, कविता डबास 1992। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इनको आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, क्योंकि इनका प्राइवेट अकाउंट है कविता डबास 1992। बहुत ही प्यारे सूट है इनके पास, और इन्होंने मेरे पास ये सूट भेजा है। ये देखिए, मुझे दिखाओ कैसा लग रहा है, कैसा लगा मोहित तुझे? मस्त, सही है, है ना? ये कलर नहीं था मेरे पास, मतलब उन्होंने मेरे पास बहुत सारे डिजाइन भेजे थे। ये प्रिंट का सूट है, और फैब्रिक कौन सा बोलते हैं इसको यार, तो ये प्रिंट इन्होंने खुद की है क्या इसको? हाँ, ये खुद करते हैं, मतलब ये फैब्रिक आप देख लो कौन सा है, मेरे को याद नहीं है। अच्छा, तो इनका मतलब ये है कि आप कोई सा भी कलर चूज कर लियो और कोई सा भी डिजाइन चूज कर लियो, वो बना के दे देंगे। और कोई सा भी फैब्रिक चूज कर लो, वो ही आपको ये डिजाइन दिखा देंगे। जैसे इन्होंने मेरे को ये डिजाइन जो दिखाया था ना, ये येलो फैब्रिक पे था, तो लेकिन मेरे पास, मेरे को ये वाला कलर बहुत दिन से मन में था मेरे कि मेरे को ऐसा कलर लेना है, तो मैंने इनको बोला था कि इस कलर पे वो डिजाइन आप करके दे देना। तो ये खुद करते हैं ये सारा प्रिंट, और बहुत ही प्यारा है। देखो आप फिनिशिंग देखो इसकी, दिख रही है? तो किसी भी कपड़े पे, किसी भी कोई भी फैब्रिक पे आप कोई भी डिजाइन करवा सकते हो। मतलब आप नेट से कोई सा भी डिजाइन ढूंढ लिया, हाँ, बिल्कुल, और वो दे दिया कि ये डिजाइन चाहिए मेरे को मेरे सूट के ऊपर। हाँ जी, ये इनका इसका दुपट्टा है पूरा बड़ा, ये देखिए कितना प्यारा है ना। इस पे पूरे ये जो दुपट्टा है, इस पे पूरे पे दोनों साइड ये डिजाइन है ऐसे। तो बहुत ही प्यारा सूट है, और शायद 5 मीटर कपड़ा आया है, तो पूरे सूट का कपड़ा आया है। फिर इसको आज स्टिच करना देके आऊंगे अगर आज मुझे टाइम लगा तो, और नहीं तो फिर दोबारा फिर कभी देती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कोई सूट बनवाना है किसी भी फैब्रिक में, किसी भी कलर में, किसी भी कोई भी डिजाइन, तो आप इनको मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं मेंशन भी कर दूंगी व्लॉग में, आईडी मेंशन कर देना इनकी, ठीक है, कविता डबास नाम से। तो वहां पे आप इनको मैसेज कर सकते हो और ये सूट ले सकते हो। बिल्कुल ट्रस्टेड पेज है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलती कपड़े की और प्रिंट की। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, एक सूट मिल गया। एक दूसरी बात यह है कि मन जाके तैयार होना है, क्योंकि एक फंक्शन में जाना है, तो मैं जाऊँ हूँ थोड़ी देर खातर घर में, और मैं तैयार होऊंगी फिर आप तक मिलूंगी। तो मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद दोबारा से पेशेंट आ गए, लेकिन फिर मैं गई नहीं, मोहित चला गया। मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी क्योंकि मुझे होना था रेडी, और टाइम दिया था इनने 1:30 बजे का, टाइम हो गया 2:30। तो बाकी मैं कोशिश करी है रेडी होने की जी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, ये दुपट्टा लिया है मैंने, और बाल कुछ नहीं करा मैंने, ये इतने छोटे हो गए यार, ये भी स्ट्रेट करने पड़े, न्यू खुले ये बुंडे लग रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ली होने लग रहे हैं, कल परसों धोए थे तो उसकी वजह से, एक तो थोड़े ड्राई हो रहे हैं ऊपर, तो ये कर्ली इतने हो रहे तो बहुत छोटे लग गए थे। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस क्लचर लगा के ये बांध दिए, मगर देखी जाएगी। और मैं तैयार हो ली, दिखाऊँ आपने पूरा सूट मेरा, मैं तैयार हो ली, इब दिखाऊँ आपने मेरा पूरा सूट। तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोनों सूट आज कैसे लगे आपको, और बेरा या चुन्नी गदगी भी ओढ़ी है मेरी, हैं, गेस कर मोहित, कॉलेज टाइम की थर्ड ईयर में ली थी, थर्ड ईयर में रोक तक है, और ये सूट मैंने सिलवाया था शादी के बाद, आया चुन्नी मैंने फेर ली थी, अच्छी लग रही है ना इसके साथ? बिल्कुल अच्छी लग रही है, हाँ। मैच भी हो गई थी, है ना? हाँ ठीक है। खाना खाया है हम, आ की दिखाया है, वहां पहली रोटी खाया वहां, बिल्कुल अपना पड़ोस में प्रोग्राम था घर पे, नीचे टेंट लग रहा है, तो जल्दी जल्दी खाया है। दोबारा तक क्लिनिक जाओगे दोनों जने, ताकि और भी एक आधे पेशेंट के फोन आ रहे हैं वो आ जाए, उसके बाद छुट्टी होगी। एक बार और करके दिखा देना मोहित यार प्लीज, देख एक साइड, एक
100 स्टेप करके दिखा दे। न्यू होने आया था वो अपना लिख दिया करे न्यू कहे तो थोड़ी आ करे तो ई एक बार करके दिखा दे। क्यों हट है को आया करे यार। आज वो पड़ोस में फंक्शन है डीजे बज रहा है मोहित इतना नाच लिया जब तक घर ने लेकिन कर की कौन दिखावे स्टेप इसने बहुत बढ़िया डांस करना आवे है। बाकी आप चाह पीवांगे मेरा गले की बैंड बाजी पड़ी है दिमाग खराब हो रहा है जमा इतनी तबीयत खराब हो रही है। दिखा दे एक स्टेप तो मैं आई थी क्लिनिक पर तय टाइम होया है 2 का क्योंकि पेशेंट देख लिए थे मैंने मेरी गले में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है फिर मैं सोची घर ने चाल पड़ू पेशेंट आओगा क्योंकि मोस्टली पेशेंट है ना 2 बजे तक आए ले हैं मेरे तो फिर मैं वहाँ संदीप है आज तो पेशेंट अगर दोबारा कोई आओगा तो मैं आ जाऊंगी। और मोहित आज मैं आई जब पूरी खुशबू उठा रहा था घर ने बाकी इसने मेरे को फोन करके बता भी दी थी कि आज एक स्पेशल सब्जी खुआओगा मैंने। मोहित बता दे क्या की मटर पनीर तैयारी कर ली थी फिर इसने मतलब मोहित द्वारा फोन कर दिया था कि भाई तू पनीर ले आई है मैं बनाना ही शुरू करूं मोहित ने तो फिर वो आनंद मोहित तो शायद पनीर लेने जा रहे हैं तो मैं भी एक आज स्पेशल रोटी बनाऊंगी उसके बाद जब इनकी सब्जी बन जाएगी उसके बाद तब तक मैं ले आई हूँ आज नारियल पानी। मन ने डिसाइड करा है आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ खाऊंगी और कोई भी बाहर का फास्ट फूड तली हुई चीज़ जमा नहीं खाऊं। वो तो वैसे भी मैंने 2-3-4 दिन तक छोड़ रखा है बाहर का खाना तो एक नारियल पानी भी मैंने सोचा था कि मैं डेली पिया करूँगी और फ्रूट खाया करूँगी और आटा भी चेंज कर देंगे आपा। मैं नारियल लेके आई थी 2 एक मोहित का एक मेरा पहले नारियल पानी पी लूँ फिर आगे के काम करूँगी। पी के देख जल्दी कल पिया था वो मीठा कौन था यार आज वाला मीठा लागे मैंने है ना किसा है। अरे मेरा सारा क्यों पी लिया दूसरा ले लिया मोहित फिर न्यू तो बता के ये रहा ग्रेवी में तने के करे आज कुछ एकदम सिंपल है प्याज और टमाटर और उसके बाद तो कोई चीज को नहीं तो उनको पीसा है तूने पहले उनको पहले वो करया है तेल में भून दिया फिर उनको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। अच्छा ठीक है सुथरी तो बहुत लग रहा है खाना वगैरह पटाका बस सुथरे सुथरे पहले भून देते करने के प्याज टमाटर हां फिर करेंगे है ओके। मोहित तो चलो वो बनावे है लेकिन आप ये रोटी आज बनावा जो के आटे की और बाकी तुम देख सको हो यो मैंने गूथना आया नहीं मतलब समझ को नहीं आई कुकर करा यो चिपक गया आँखों से तो जो का आटा बहुत बढ़िया हो है बहुत ठंडी तासीर हो है इसकी और पूरे 12 महीने अगर रेगुलर आप कोई अनाज खाना चाहना तो वो आप यो खास कहा जो तो आज इसकी रोटी खा के देखा इनका टेस्ट के साथ तक हमने खाई होनी है तो आज देखते हैं क्या कैसी बनेगी है। बाकी आटा गूथने में बहुत मेहनत करनी पड़ा इसमें और फायदे वो बाबा बताओगा जाओ उसे ले जाए। जय बाबा की भाई फायदे बताओ क्यों आया मेरा लोग है जल्दी बता दे पूछी आ जाए इधर आ जाए कभी हम दूसरा के है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर हो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं जो शुगर के पेशेंट हैं किडनी के पेशेंट हैं या फिर जिनके डाइजेशन में प्रॉब्लम है उनका तर सबसे बेस्ट आटा है जौ का आटा तो यूज कराया करो या नहीं तो मिक्स आटा खाया करो खाली गेहूं का आटा जमा ना खाया करो। तो यो रोटियां का ऐसा कलर बनाया है आप देख सको हो बाजरे जैसा बनाया है किसी ने खाई हो जो की तो बता दियो कदे हमने नकली आटा चेप दिया हो बाजरा का और हम राजी हो रहे हैं जो खावा क्यों मोहित बाजरा का तो कोई नहीं है बाजरा का तो कोई नहीं इतना तो मामले में रहा आज तो हम कम तक हम भी 2-3 घंटे सोए हैं शाम ने सारे मैं भी मोहित भी पुच्ची भी आनंद भी मोहित भी ये फोन आया उनका 7:15 बजे
शाम ने वॉक पे जाया करा नाम तो आज लेट हो गए तो लिकड़ांगे एक बार। फिर मैंने सूट सिलना देन जाना, तड़के कहन लग गई थी, फुर्सत है कौन लगी मैंने तो एक घंटा सोई हूँ मैं सिर्फ। वो भी उस वीडियो का तरव ढूंढू थी लाइन लेट की भी, ठीक है ना। तो सोना भी एक काम है जिंदगी में, सोना ने तू मतलब न्यू मानना है वो टाइम वेस्ट है ना। सोना भी तो एक काम है, तो सो की थकान उतारी कि दिन में ही हमने सोना है बंद कर रखे है कई दिन तक, न्यू हो रही थी तो चल लेंगे। जी भी तैयार है, क्या हो गया आज तो बुच्ची ने नाई नाई करी थी, आज तो ना आया था बुच्ची। इसमें मोहित का गला गला रहेगा कि यो ले जाएगा मैंने बेल ठाले। हाँ देखो ये बिटने जल्दी काल वो खड़े हैं आनंद और रास्ते में, देखिए इसमें सारा मेरा नहीं क्यों। अरे जल्दी जल्दी बांध ले जल्दी, मोहित लेट हो रहे हैं। तो मैं को बाहर से ही पहनने पहन के चल पड़ूंगा। आज का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी था और इब्बी मेरा मतलब मेरे बहुत बेचैनी हो रही है यार, न्यू जिस तरह कपड़े सर्दियों वाली अलमारी में धरे हैं ना मेरे, न्यू हो रही है कदर हूँ इन कदर हूँ उल्टे। जब तक यो काम पूरा नहीं होगा ना इधर मेरे माइंड न्यू रहेगा, मतलब नींद में भी मैंने वे कपड़े दिखे जाए मोहित, मैं सोन है तो भी मेरे दिमाग में न्यू चाली जाए मैंने वे कपड़े जचाने हैं, मैंने वे कपड़े जचाने हैं, किस किस का गेल बना है न्यू। आज तो मेरा गला तेरे गले क्यों बने इतने जचाने हैं, और आज तो मेरा गला मतलब ही सा हो रहा है, बीच में कट भी मार रहा है आवाज ऐसे लापरवाहियों का नतीजा है ये, जो मैंने आइसक्रीम खाई थी फिर दही खाई थी फिर मैं ठंडा पानी पिया था और मैंने चॉकलेट भी खाई थी, तो ऐसे मत किया करो। मोहित करवा दे यार, आज तो दिन में सो भी लिए तो मैं इवनिंग सोचूं थी कि मैं थोड़ा बहुत एक अलमारी तो सेट कर दूँ रात रात ना आज, क्योंकि नींद तो ही बांधी को नहीं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आज मैंने ली को नहीं क्योंकि मेरा गला इतना ख़राब था, वहाँ पेशेंट भी के सोचेंगे। क्लिनिक में भी यार आज मेरी आवाज़ ही कौन निकड़े थी, मेरा इतनी बेचैनी हो गई थी बोल नहीं आनी, पेशेंट मेरा मुँह कान देखा वो हो डॉक्टर नहीं तो खुद ही बीमार है। हमने दर दिए गए अपने अपने कपड़े सर्दियाँ वाले, बाकी आज ठंडी हवा चल रही थी उसने देख के नहीं लगा एक बार जाडा दोबारा भी आस गए। वाह मेरी अलमारी तो भरी पड़ी है मेरे कपड़ों से, या भी मेरी है देखो कितने कपड़े लिखे मेरी अलमारी में, मेरे इतने सारे कपड़े बने भी नहीं मेरा, ओ ये लाल पजामी भी मेरी है। ओ यू आरा सूट कद लिया आया मैं तो कहीं पहला करता हाँ। मेरे है गए कपड़े मेरी अलमारी है गया मेरा नाम दे रहे क्या है अलमारी तेरी नहीं है तेरा सामान लिखना लग रहा है इसमें है वो तो सारा पावगा मेरा। रुको ये देख ये ओ हो ये तो मेरे हो गए मेरी अलमारी में तो लिख रहा है इसे मेरी अलमारी क्यों कह कर इसमें ये तो गलते काम छेड़ दिया मोहित अपन ने, ये तो पूरी रात लगेगी भी इसमें है ना। मेरे देखो ये है मेरे कपड़े इसके नीचे जो है यो ना सोचो मैं एक लाइन में कर दूंगा ये है मेरे बस ये है मेरे कपड़े गर्मी प्लस जाड़े के वर्क फ्रॉम होम वाले आगे न्यू हो अगर है गरीब होते वर्क फ्रॉम होम वाले। हाँ टाइम भी है मेरे पास गरीब या फिर लगा के बैठ जाए कर टाइम है मेरे पास और सार दिन लगा के बैठा रहा अगर ठीक से और फाइनली हमने कोशिश करी है थोड़ा जचाण की अलमारी, लेकिन ये कपड़े प्रेस करे उड़े को नहीं ना इस वजह से थोड़ी न्यू लग गए हैं, बाकी ये कार्ड भी दिए जो रखने हैं और बस पैड में रख दें ये जो पड़े हैं एक्स्ट्रा कपड़े, उसके बाद अपना काम ख़त्म हो जाएगा। टाइम हो लिया है 12:20 सोनिया ये कौन सा टाइम बैठ रहा सफाई करने का यार मन टाइम नहीं लगता मेरे बेचैनी हो रही है कई दिन से। अच्छा फिर बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ नहीं हो जाएगी अच्छा
भाई साढ़े बारह हो लिया तो आपे आने नींद तो नींद का तो टेम हो रहा है देख के बहाने मारे तो की करूं मैं साफ को नहीं होती यार सारा साफ हो गया कई दिन तो सोचती करने का चलो ठीक है तेरी बेचैनी तो मिट गई ना गुड थोड़ी मैं रह रही है किचन बाहर छात बाहरली छात तो ये करके सो गई है नहीं मैं तो इसकी और बेचैनी रह रही है अच्छा मोहल्ले भाई तेरे में कि मैं माता मुता आ गई हो भाई तू सारे काम रात में करके सोएगी ना इस हफ्ते कर देंगे ना अपन